मित्रों बहुत बहुत स्वागत। इस आर्य सत्य नामक अभियान में मैं आचार्य चंद्रकांत आप सभी का पूरी आत्मीयता के साथ में अभिनंदन करता हूं। मित्रों जैसा कि इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है कि अलग अलग जो ग्रह हैं वो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार प्रभाव देते हैं, कौन सा कष्ट किस ग्रह की वजह से उत्पन्न होता है, ये जो अभियान हमने छेड़ रखा है ये एस्ट्रोलॉजिकल लिटरेसी या इसको हिंदी में कहें तो ज्योतिषीय साक्षरता का कार्यक्रम है। मित्रों मेरी तहे दिल से एक मंशा ये है कि आपको कम से कम अपनी कुंडली को लेकर के इतनी जानकारी जरूर हो कि कोई भी आपको मूर्ख ना बना सके, आपको ठग ना सके। और मैं कहां तक इसमें कामयाब होता हूं ये आप लोग अपने फीडबैक के द्वारा मुझे बता दें। मित्रों आज हम बात करेंगे शनि के बारे में कि अगर आप शनि से पीड़ित हैं, ऐसा नहीं कि आपको किसी ज्योतिषी ने किसी पंडित ने कह दिया कि भाई तुम्हारे शनि की शारद साथी चल रही है, तुम्हारे ऊपर शनि की जो है वो कुदृष्टि है, ऐसा नहीं। मित्रों विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि हम केवल उसी को सत्य माने जिसको हमने कसौटी पर कसकर देखा हो। अगर आप शनि से पीड़ित हैं तो शनि कौन कौन सी पीड़ा देता है, शनि कब कब पीड़ा देता है, यह आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो मित्रों आइए जानते हैं। आप अपनी कुंडली ले लीजिए हाथ में और आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपके पास कुंडली है तो बहुत कम समय लगेगा और कुंडली नहीं है तब भी आप ज्यादा समय न लेते हुए स्वयं ये जान सकते हैं कि आप शनि से पीड़ित हैं या नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुंडली की। मित्रों अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां कहीं पर भी एक नंबर लिखा हुआ है, चाहे वो एक नंबर कहीं पर भी लिखा हुआ है, अगर उसके साथ में ही शनि महाराज विराजमान है तो आप 100% शनि से पीड़ित है। अगर आपके कहीं पर भी सूर्य और शनि साथ में विराजमान है, सूर्य और शनि अगर साथ में विराजमान है तो भी आप निश्चित जानिए कि आप पर शनि की कुदृष्टि है और वो आपको पीड़ा प्रदान करेगा। अगर आपको शनि की ढैया शनि की साढ़े साथी चल रही है तो भी मित्रों आप निश्चित जानिए कि शनि आपको प्रताड़ित करेगा। ये तो आप कुंडली देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे जातक जिनके पास में जन्म कुंडली नहीं है उनको मैं कुछ सिम्टम्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ फीचर्स बता रहा हूं कि अगर ऐसी दृष्टि होती है, क्योंकि वो लोग भी साथ में टैली कर सकते हैं जिन्होंने अपनी कुंडली में ये स्थिति अपनाई है। मित्रों शनि का काम क्या है, आमूलचूल परिवर्तन करना, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये जब दुख देने का ये क्रम शुरू करता है तो ये कहीं का भी नहीं छोड़ता आदमी को। अगर ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित है उसकी प्रतिष्ठा को ये मिट्टी में मिला देगा। ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के शीर्ष में है जिसके कहने के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है वो उसकी औकात ऐसी कर देगा कि चपरासी भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं होगा। करोड़ों में खेलने वाला व्यक्ति 2 कौड़ियों का हो जाएगा। ऐसा हष्ट पुष्ट आदमी जिसको देख करके कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि बीमारी इसके दूर दूर तक नहीं भटकेगी वो अस्पताल में पलंग पर पड़ा हो सकता है। पदोन्नति आपकी हो ही नहीं सकती, ऐसी दृष्टि अगर है तो पदोन्नति में आपके अड़चन आएगी ही आएगी। दूसरी चीज आपकी हर चीज में डीले होगा, देरी होगी। क्यों होगा मित्रों, इसका नाम है शनिश्चर। शनि जो है वो शब्द आया है शनेह से और शनेह का अर्थ होता है धीमा, बहुत धीमा। कछुए से भी जो धीरे चलता है वो शनि है, शनेह शनेह चलता है, इसलिए इसका नाम है शनिश्चर। मित्रों हम अपने आम लोगों की आपकी मेरी क्या बात करें, अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, अगर हम माइथोलॉजिकल ग्रंथों पर थोड़ा सा भी विश्वास करें, अगर पौराणिक ग्रंथों पर भारतीय मेधा और मनीषा पर थोड़ा सा भी अगर विश्वास करें तो आप राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने अवश्य सुनी होगी। इतने सत्यवादी इतने प्रतापी इतने ओजस्वी, उन तक को जब शनि की कुदृष्टि पड़ी थी तो उनको अपनी स्त्री को बेचना पड़ा। जब उनके बालक की मृत्यु हो गई तो उसको कफन तक के पैसे उनके पास में अरेंज करने की नौबत आ गई कि नहीं उनके पास में पैसे थे, और उनको एक
शमशान घाट में चौकीदार की उनको नौकरी करनी पड़ी। राजा राम की, श्री राम की अगर हम कथा लें तो उनका पूरा जो जीवन है उसका जो स्वर्णम काल है वो वनवास में उनका बीता। फिर उनको अपनी पत्नी को त्यागना पड़ा। ये सब शनि के कारण हुआ था। रावण जो कि महापंडित था, महाज्ञानी था, जिसने ग्रहों को भी कंट्रोल में करके रखा हुआ था, उसको भी जब शनि की कुदृष्टि पड़ी तो उसने जो पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित सोने की लंका बनाई थी उसको भस्म कर दिया गया। मित्रों, ये है शनि की कुदृष्टि का परिणाम। इसलिए हम हमारे बारे में क्या कर सकते हैं? केवल प्रार्थना, केवल समाधान कर सकते हैं। इससे जुड़ा मैं एक प्रसंग जरूर आपको बताना चाहूंगा कि हनुमान जी की आराधना से हमेशा, शनिवार को अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो शनि चाहते हुए भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कुदृष्टि होगी भी, गलत स्थान पर बैठा भी होगा तो भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। एक कथा छोटी सी जो आती है उसका मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा कि जब हनुमान जी ने श्रीलंका में आग लगा दी थी, रावण की सोने की लंका में आग लगा दी थी, तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक चीज देखी। उन्होंने देखा कि कालिख, जो आग लगने के बाद में धुएं और राख से कालिख उत्पन्न होती है, वो उसका नामो निशान नहीं था। लंका जलने के बावजूद भी सोने की जो थी वो जगमगा रही थी। इसी दौरान हनुमान जी ने देखा कि एक कोई कुरूप सा व्यक्ति जो है उसको कारागार में बंद किया हुआ है। उससे जब उन्होंने परिचय किया तो उन्होंने बताया कि मैं शनि हूं, मुझे यहां पर रावण ने बंद किया हुआ है, मेरी शक्तियों को कीलित किया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है। वहां पर उन्होंने, हनुमान जी ने उनको वहां से छुड़वाया और उन्होंने बोला, श्री हनुमान जी से उन्होंने कहा कि तुमने मुझे इतने बड़े बंधन से छुटकारा दिया है, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। तब हनुमान जी ने उनसे कहा था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरी जो पूजा अर्चना करता है शनिवार को उसको आप बिल्कुल भी प्रताड़ित मत करना, केवल इतना काम आप कर देना। तब से ही शायद ये प्रथा चली आ रही है, ये प्रचलन चला आ रहा है। मित्रों, हमने बात कर ली है कि शनि किस किस प्रकार से परेशानियां देता है, और अगर ये स्थिति आपके साथ में है तो मैं बहुत ही सरल और सटीक आपको जो समाधान अभी बताने जा रहा हूं वो आप करिए, आपको 99.9% तक रिलीफ पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो आप अपने जीवन में ये प्रण ले लीजिए कि आपको कभी भी किसी और के जूते या चप्पल नहीं पहनने हैं। इस पर मैं कभी अलग से पूरा एक एपिसोड बनाऊंगा, पर ये एक समाधान है। आप अपने पहने हुए जो जूते हैं वो शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को दान करिए, जैसे ही थोड़े पुराने होते हैं आप दान कर दीजिए। शनिवार को आप मंदिर में जाकर स्वयं सुंदरकांड का और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। शनिवार को ही आप पीपल का अगर कोई वृक्ष है आपके आसपास तो आपको वहां पर शनिवार की शाम को आप जाइए और एक चमेली के तेल का दीपक अपने हाथों से प्रज्वलित करके आइए। नीलम अगर आप धारण कर सकते हैं तो आप एक नीलम लीजिए, हालांकि थोड़ा सा महंगा आता है परंतु वो हर स्थिति में आपको सूट नहीं करेगा। उसके लिए आपको खरीदने के बाद में उसको एक काले या नीले कपड़े में बांधकर अपनी दाहिनी बाजू में यहां पर बांध दीजिए। अगर एक हफ्ते के अंदर कोई बहुत आपको लगने लगेगा पहले दिन से ही कि कहीं पर शारीरिक तौर से, आर्थिक तौर से अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप उसको धारण ना करें। अन्यथा अगर बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप उसको अपनी इस मध्यमिका उंगली में, चांदी की अंगूठी में धारण कर लीजिए। तो मित्रों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य जो कि शनि पर आधारित था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब के साथ में जो घंटी का बेल का आइकन है वो अवश्य दबाइए ताकि आपको अलर्ट समय समय पर मिलते रहें। साथ ही इसको शेयर और लाइक करना भी ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मित्रों, आगे हम इसी प्रकार की ज्योतिष, धर्म, आध्यात्म और वास्तु की रोचक और तथ्यपरक जानकारी आपके पास में लेकर के आएंगे। ये मेरा एक प्रतिज्ञा है, जब मैंने ये आर्य सत्य शुरू किया था तभी ये मैंने प्रण लिया था कि मुझे ऑथेंटिक तथ्यपरक जानकारी अपने प्रिय श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचानी है। मित्रों, आप स्वस्थ और समृद्धशाली बनिए। नमस्कार।